नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं पीलिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को अगर पीलिया रोग या जिसको हम दोस्तों कामला रोग भी बोलते हैं की समस्या है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो कृपया दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से दोस्तों जानते हैं। यह रोग दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म वायरस के कारण से होता है। शुरू में जब दोस्तों रोग धीमी गति से वे मामूली होता है तब दोस्तों इसके लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब ये उग्र रूप धारण कर लेता है तो दोस्तों रोगी की आंखें व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं। इसे ही दोस्तों पीले रोग कहते हैं। जिन वायरस से दोस्तों यह रोग होता है उसके दोस्तों मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरल, हेपेटाइटिस बी और दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए बी पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये रोग कैसे फैलता है। तो दोस्तों यह रोग ज्यादातर ऐसे स्थानों पर होता है जहां के लोग व्यक्तिगत व वातावरणीय सफाई पर दोस्तों कम ध्यान देते हैं अथवा बिल्कुल भी नहीं देते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी दोस्तों यह रोग ज्यादा होता है। वायरल हेपेटाइटिस बी किसी भी मौसम में दोस्तों हो सकता है और दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस ए तथा नॉन व नॉन बी एक व्यक्ति से दोस्तों दूसरे व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से फैलता है। यह वायरस दोस्तों रोगी के मल में होता है। पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के दोस्तों मल से दूषित जल या दूध अथवा भोजन के द्वारा दोस्तों इसका प्रसार दोस्तों पीलिया का दूसरे लोगों में भी दोस्तों होता है। ऐसा हो सकता है कि दोस्तों कुछ रोगियों की आंख नाखून या शरीर आदि पीले नहीं दिख रहे हों, परंतु हो सकता है वे पीलिया से पीड़ित हो, वे दूसरे लोगों को भी इस रोग से ग्रस्त पीलिया से कर सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस बी खून व खून से निर्मित पदार्थों के आदान प्रदान व यौन क्रियाओं द्वारा भी दोस्तों फैलता है। इसमें वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को ब्लड देता है उसे भी दोस्तों इस रोग का पीलिया रोग का रोगी बना देता है। यहाँ खून देने वाला रोगी व्यक्ति रोगवाहक बन जाता है। बिना उबली हुई सुई और सीरेन से इंजेक्शन लगाने पर भी दोस्तों यह रोग फैलता है। प्रत्यक्ष रूप से उंगलियों से और अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के मल से या मक्खियों द्वारा पहुंच जाते हैं। इससे दोस्तों स्वस्थ मनुष्य भी पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि पीलिया रोग होने के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों रोगी को बुखार रहने लगता है, भूख नहीं लगती है, चिकनाई वाले भोजन से अरुचि हो जाती है, जी मिचलाता है और कभी कभी उल्टियां भी होती हैं, सिर में दर्द होता है, सिर के दाहिनी भाग में दर्द रहने लगता है, आंख व नाखून का रंग दोस्तों पीला पड़ जाता है, पेशाब पीला आने लगता है, अत्यधिक कमजोरी और थका थका सा दोस्तों बदन महसूस होने लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि पीलिया रोग का हमको कैसे उपचार करना है। तो दोस्तों हमको लेना है 50 ग्राम मूली के पत्तों का रस और उसमें 10 ग्राम मिश्री मिला लें और इसको सुबह सुबह बासी मुंह रोगी को पिलाएं। यह दोस्तों पीलिया रोग के लिए एक रामबाण औषधि है। इस औषधि के सेवन से दोस्तों एक हफ्ते के अंदर पीलिया रोग दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाता है, किंतु 2 माह तक हल्दी और दूध नहीं सेवन करना चाहिए। और दोस्तों जहां तक हो सके कच्चे पपीते की बिना मिर्च मसाले की सब्जी तथा पका हुआ पपीता खाएं, इससे दोस्तों पीलिया रोग में काफी लाभ होता है। और दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया यह प्रयोग 100% आयुर्वेदिक है, 100% वर्किंग है और इसका दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको पीलिया रोग या कामला रोग की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।